अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट शैम्पू लेके आई हूँ, जो है बहुत ही पुरानी ब्रांड है। जब हम बचपन में छोटे छोटे होते थे तो ये शैम्पू यूज़ किया करते थे। ये एग का शैम्पू है, ये न्यू सैमसोल एग शैम्पू है। ये डेली भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर नॉर्मल ड्राई हेयर के लिए है, जो आपके बाल सूखे बेजान और रौनक बेरौनक बाल होते हैं उनके लिए ये अंडे का शैम्पू बेस्ट शैम्पू माना जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट शैम्पू है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इस पर प्राइस मेरे ख़्याल से है ये 140 का हमें मिल गया है। ये देखें, ये इसकी प्राइस है 140 का। बहुत ये महंगा शैम्पू नहीं है, ये सैमसोल शैम्पू है, ये फार्मूलेटेड शैम्पू है, ये हमारे लिए बेस्ट शैम्पू है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये लाहौर का बनाया हुआ है, ये हमारी पाकिस्तान की ब्रांड है, तो इसलिए ये हमें ज़रा नॉर्मल रेंज में पड़ जाता है। इसको आप यूज़ करें तो सबसे पहले मैं आपको इसका तरीकाकार बता देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में वैसे भी बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान और बेरौनक बाल हो जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं, और हमें बार बार ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऑयलिंग की भी झंझट ख़त्म। ये आप पता है क्या करें, अपने बालों को गीला करें, बालों को गीला करके शैम्पू लगा के 5 मिनट इसका मसाज करें अपने बालों में। 5 मिनट के बाद जब आप सर धोएंगे ना, तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपके शैम्पू का जो है इतना अच्छा असर हुआ है आपके बालों पे, और आपकी स्किन जो है इतनी बेस्ट और इतनी प्यारी लगेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब सर्दी है, सर्दी का सीज़न है, तो आप ये इस तरह की शैम्पू यूज़ करें, ताकि क्योंकि अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, जो हमारे बालों के लिए बेस्ट है। इससे तो हमारे बाल काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं और सिल्की भी हो जाते हैं, ड्राइनेस तमाम ख़त्म हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे हमने अपने बालों में ऑयलिंग की हुई है। और सर्दियों के लिए ये बेस्ट शैम्पू माना जाता है। इसलिए मेरे बहन भाई, ये शैम्पू लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी यूं ही यूट्यूब बनाती रहूं। ओके माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।